बता दीजिएगा ताकि दर्शक समझ सके कि क्यों आप नरेंद्र मोदी को फिर से चुनना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हैं, बीजेपी को देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार के, क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा क्या काम किया? काम अच्छा ही कर रहे हैं मोदी, जब भी तो सब मोदी कर रहे हैं। दो चार काम कुछ आपकी नजर में हो? बस काम अच्छे ही है मोदी जी के, क्या कहना। कुछ काम, एक दो काम तो होंगे, बहुत सारे काम आप बता रहे, कोई दो काम बता दीजिएगा जो नरेंद्र मोदी ने अभी तक किए हों अच्छे काम। वो भाई साहब बताएंगे उन्हें ज्यादा जानकारी। नमस्कार, मैं रवि पाल, मौजूद है गोकुलपुरी में। ये कैसी लोकसभा सीट है जो बहुत ही कांटे की मानी जा रही है? जिस प्रकार से दिल्ली की और भी सीटें हैं वहाँ के लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि यहाँ के इंटरेस्टेड है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का सीधा मुकाबला है, आप आए दिन टीवी में डिबेट भी देखते होंगे, तो यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि लोगों को जानेंगे कि आखिर में लोग क्या समझता है, क्या लोग सोचते हैं कन्हैया कुमार के बारे में। उसके बाद एक चीज और पूछेंगे लोगों से कि तीसरे चरण का चुनाव हो गया है तो क्या कितनी नरेंद्र मोदी को सीटें दे रहे हैं। उसके बाद अब तक राहुल गांधी की जो इंडिया अलायंस है उसमें और भी दल है तो उनका क्या कितनी सीटें उनको जा सकती, तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर और वो कितनी सीटें किस पार्टी को दे रहे हैं। और सर नमस्कार, क्या हाल है? इस बार जो किसको आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि आप तीसरे चरण का चुनाव था, क्या कारण नरेंद्र मोदी? कारण ही कारण है मोदी। दो तीन कारण बता दीजिएगा ताकि दर्शक समझ सके कि क्यों आप नरेंद्र मोदी को फिर से चुनना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हैं, बीजेपी को देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार के, क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा क्या काम किया? काम अच्छा ही कर रहे हैं मोदी, जब भी तो सब मोदी कर रहे हैं। दो चार काम कुछ आपकी नजर में हो? बस काम अच्छे ही है मोदी जी के, क्या कहना। कुछ काम, एक दो काम तो होंगे, बहुत सारे काम आप बता रहे, कोई दो काम बता दीजिएगा जो नरेंद्र मोदी ने अभी तक किए हों अच्छे काम। वो भाई साहब बताएंगे उन्हें ज्यादा जानकारी सामने। नहीं तो आप सिर्फ